Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you a second lesson from your political science book, Political Theory. The title of the lesson is Freedom. So let us begin for today. Freedom, Chapter 2. Human history provides many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups, but it also provides us with inspiring example of heroic struggle against such domination. What is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choice and activities. Not just individuals, but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. Human history provides many examples of people and communities. मानव इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, example हैं, जब अधिक शक्तिशाली दल कोई समूह है, शक्तिशाली लोगों का समूह ने कुछ लोगों, निर्बल लोगों या समुदायों का शोषण किया हो, उन्हें गुलाम बनाया हो, बहुत सारे उदाहरण ऐसे, उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे दबंगई के खिलाफ, ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों की प्रेरणा भी देते रहे हैं और ऐसे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। ये स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार होते हैं, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर सही रूप में और निष्पक्ष रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नीति का नियंत्रण स्वयं करें और उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने के अवसर बना रहे, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज में भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहते हैं और उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा वो करना चाहते हैं। However, given the diverse interests and ambitions of people and form of social living requires some rules and regulations. These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves. In political theory, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between society, socially necessarily constrained, and other restrictions. There has been debate about possible limitations on freedom. Which may be result from the social and economic structure of a society. In this chapter, we will look at some of these debates. However, given the diverse interests and ambitions, लोगों की अलग अलग हितों, उनकी इच्छाओं, उनके आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि ये नियम जरूरी हों कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की वहाँ पे कुछ सीमाएं उनको तय करने के लिए, लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएं, ये रिस्ट्रिक्शंस हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियाँ हमारे लिए देती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती हैं, परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें, अपने जीवन को उन्नत बना सकें, अपने जीवन को आगे ले जा सके। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी में जो लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता के बारे में जो
अधिकतर बातें की गई हैं, चर्चा की गई है, ऐसे नियमों को विकसित करने पर ये अवधारणा, ये विचार हमेशा इसका फोकस रहा है, केंद्रित रहा है, जो हमारे सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी के जो प्रतिबंध हैं उनके बीच में ये अंतर स्पष्ट करता है। पर इस पर भी वाद विवाद होता रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। व्यक्ति को कितना स्वतंत्रता दी जाए कि वो आर्थिक रूप से वहाँ पे विषमताएं ना फैलें, या सामाजिक रूप से संरचनाएं वो प्रभावित ना हो, सामाजिक रूप से इतना स्वतंत्र रूप भी नहीं दिया जा सकता कि व्यक्ति इतना बलशाली हो जाए कि समाज में उसका ही रुतबा दूसरे उसके सामने ओछे या नीचे प्रतीत हों। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल शुड बी एबल टू, इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझने में आपको सहूलियत रहेगी। पहली बात, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व है। इसमें हमें पता लगेगा व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है और समाज के लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, उनके आयाम, उसमें अंतर की व्याख्या भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। क्या अंतर है कि स्वतंत्रता देने पर क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं या क्या नकारात्मक स्थितियाँ पैदा होती है। स्वतंत्रता किस हद तक किस व्यक्ति को, किस किस को कौन सी दी जानी चाहिए, समाज में रहते हुए समाज का भी नाम व्यक्ति को मानते हुए। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, हानि के सिद्धांत से क्या मतलब है, हानि का सिद्धांत क्या होता है। द आइडियल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, आज़ादी का आदर्श, ये क्या आदर्श है, क्या स्वतंत्रता है, किस प्रकार से कुछ लोगों के विचारधाराओं ने समाज के स्वतंत्रता के प्रति अवधारणा विचार को बदल दिया है, किस प्रकार वो स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हुए हैं। क्या होता है स्वतंत्रता का आदर्श, द आइडियल ऑफ फ्रीडम। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लेट अस स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड कंसिडर दिस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स ऑफ द 20th सेंचुरी नेल्सन मंडेला इज टाइटल्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दिस बुक He talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa, about the resistance of his people to the segregationist policies of the white regime, about the humiliations, hardships and the police brutalities suffered by the black people of South Africa. These range from being bundled into townships and being denied easy moment about the country, to being denied a free choice of whom to marry. Collectively, such measures constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race. For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa, not just the black and the colored, but also the white people. That was the long walk to freedom. Before we set out to answer this question, इन सवालों के जवाब देने से पहले लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए रुकें और इस स्थिति को समझने की कोशिश करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति साउथ अफ्रीका के थे, जो
नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपनी आत्मकथा का एक शीर्षक लिखा है वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस पुस्तक में उसने अपने दक्षिण अफ्रीका में जो लोगों के साथ रंग भेद हो रहा था, रंग भेद की जो शासन के खिलाफ उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्ष या गोरे लोगों के शासन के प्रति अपनी अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध या दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के द्वारा झेले गए अपमान, उनकी कठिनाइयाँ या पुलिस द्वारा उन पर किए जाने वाले जो अत्याचार रहे हैं, उनके बारे में बातें की हैं अपनी इस किताब में। उन्होंने अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन आना जाना इसको लगाने से लेकर विवाह करने में भी मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, कैसे वो निकलेगा, समाज में किस प्रकार से विचरण करेगा, वो अपने घर के जो निजी फैसले, ब्याह शादी या अपने जो कारोबार संबंधी फैसले, उनमें उनको भी करने में स्वतंत्र नहीं था। वहाँ पे सभी पर नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली जो रंगभेदी सरकार थी, उसने इस तरह के प्रतिबंध उन पर लागू कर रखे थे। तो मंडेला और उसके साथियों के लिए ये अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और उनकी स्वतंत्रता के रास्ते में जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का जो संघर्ष है, उस संघर्ष की यात्रा को उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए यात्रा नामक शीर्षक किताब में उकेरा है, उसको वहाँ पे व्यक्त किया है। सबसे स्पष्ट बात और विशेष बात यहाँ पे देखने वाली है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि श्वेत रंग के जो कमज़ोर लोग थे उनके लिए भी उन्होंने ये स्वतंत्रता रूपी आंदोलन है वो चलाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष अंधकार भरी काल कोठरी में जेल के रूप में बिताए थे, दूसरों के लिए बिताए थे, ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और वो प्राय एकांत जो एकांतवास में रहता था, अंधेरे में वो जीवन बिता रहा था। इमेज व्हाट इज मेंट टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडल, टू वॉलेंट्री गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड्स। आप एक बार कल्पना कीजिए उस जवान व्यक्ति के लिए वो आदर्श क्या होगा जिन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने लोगों की, अपने दोस्तों की खुशी के लिए दूसरे लोगों से बात करने की अपनी स्वतंत्रता उसको छोड़ दिया, जो जेल में चला गया। और प्लेइंग वंस फेवरेट गेम मंडेला लव्ड बॉक्सिंग, मंडेला को बॉक्सिंग से प्यार था, उनके लिए बड़ा अच्छा खेल था, उनका मनपसंद खेल था, लेकिन उन्होंने इस खेल को भी त्याग करके उस काल कोठरी को चुन लिया। ऑफ वीरिंग वंस फेवरेट क्लॉथ्स फॉर ऑफ लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूजिक, अपना मनपसंद म्यूजिक, अपना संगीत सुनना और अपने मनपसंद कपड़े डालने के बजाय उन्होंने इस जेल की कोठरी को चुना, किस लिए? ऑफ एंजॉइंग मैनी फेस्टिवल्स दैट आर पार्ट ऑफ वंस लाइफ, बहुत सारे उन्होंने उन त्यौहार उन समारोह का त्याग कर दिया जो किसी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। कल्पना कीजिए प्यारे बच्चों, इमेज गिविंग ऑल दीज अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड अप अलोन इन ए रूम, जिसने ये सारी चीज़ें छोड़ के केवल एक ही चीज़ चुनी कि वो अकेला एक रूम में कन्फाइनमेंट के रूप में 28 वर्षों के लंबे कारावास को कारावास में अपना जीवन बिताए, नॉट नोविंग इवन व्हेन वन ही वुड बी रिलीज, और यहाँ तक भी उसको ये नहीं पता था 28 वर्षों की तो बात छोड़ो बच्चों कि वो उस जेल में कितने दिनों तक उसे रहना था, उसको उस समय का भी नहीं पता था। ओनली बिकॉज वन कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल फॉर फ्रीडम ऑफ मंडेला पेड ए वेरी हाई पर्सनल कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, याद कीजिए कि किस प्रकार से, आपको तो ये पता नहीं होगा कि स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से कितनी बड़ी भारी कीमत चुकाई, कितनी बड़ी उसने अपने जीवन की, अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वहाँ पे बलि दी। नाउ अनदर केस गांधी जी थॉट्स, अब दूसरी स्थिति है
Gandhiji thoughts of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remains today under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer. Because she feared that if she left Myanmar, to visit him in England, she would not be able to return. Aung San Suu Kyi sees her freedom as connected to the freedom of her people. Her book of essays bears the title Freedom from Fear. She says, "For me, real freedom is freedom from fear. And unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life." These are deep thoughts that lead us to pause and consider their implications. We must not hear words. Her words suggest, be afraid of the opinions of other people or of the attitude of authority or of the reactions of the members of our community to the things we want to do, of the ridicules of our peers or of speaking our mind. Yet we find that we often exhibit such fear. For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला हम देखते हैं आन सान सू के बारे में, जिन्होंने गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए अहिंसा को अपना शस्त्र बनाते हुए अपने विचार उनसे उनके आदर्शों से प्रेरणा स्रोत उनके भरे रहे। आज शू की को म्यांमार में उनके घर में नज़र बंद करके रखा गया है। शू की अपने बच्चों से अलग है, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी शू की को उनसे मिलने के लिए अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ के शासकों को डर था, वहाँ के सैनिक शासकों को वहाँ पर डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने के लिए इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार में लाना संभव नहीं होगा। आग शान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, और वो कहती है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त होते हुए बिना भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। ये उनके कितने गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने अपने नितार्थ समझने की मांग करते हैं। शू की का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही शासकों के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की जो प्रतिक्रिया है, साथ के लोगों का जो मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए कभी। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग शान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने भय पर विजय पाएं। फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेशनल मंडेला एंड आंग शान सू की, आंग शान सू की और नेशनल मंडेला की दो किताबों से हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख रहे हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटेन से मुक्ति आंदोलन में हमारे काम आए। फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेश के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के लोगों ने इसी संघर्ष के माध्यम से वहाँ कॉलोनियलिज्म से मुक्ति पाई। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। If still you have any problem, you can WhatsApp me, you can send me message, you can also call to me on my calling number. And I hope, my dear students, you will be attempting your question answer, you would have completed your fear notebooks. So I advise you all to come to school one by one, keeping in mind social distancing, to get your notebooks checked. So I hope you would come and will give maximum times to your study. You will give time
कि स्टडी यू विल डिवोट योर टाइम टुवर्ड्स स्टडी बिकॉज इफ यू हैव डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स स्टडी देन देयर इज नथिंग विच विल बी पॉसिबल फॉर यू एंड यू विल गेट योर सक्सेस इजली यू विल बी एबल to get success in your life, whatever you want to do in life, you can easily do that. So that's enough for today. May God assist with you, bless you with great treasure of knowledge. Thank you and have a good day, my dear students. God bless you.